हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो आज हम बात करने वाले हैं UPSC मुख्य सेवक भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना हो। बहुत सारे आप लोग लगातार मैसेज करते हो कि सर आप वीडियो नहीं बनाते हो मुख्य सेवक पर, ठीक है। आपकी वीडियो काफ़ी जो वीडियो नहीं आ रही मुख्य सेवक के संबंधित, तो मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी कहा, अभी कह रहा हूँ, इस चैनल के माध्यम से जो कुछ भी बताया जाएगा ऑथेंटिक होगा और जो चीज़ मुझे लगता है कि बतानी चाहिए तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। और आपके जो भी डाउट वगैरह होते हैं लगातार कमेंट में देखने को मिलते हैं, तो मुझे लगता है इस पर वीडियो बनानी चाहिए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट आ रहे थे कि BSc और 1 या 2 वर्ष वाले जो होंगे DVC क्या बाहर हो सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे इस वजह से परेशान है कि इनकी दूसरे चैनल पर चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। मैंने पहले भी चीज़ें क्लियर की हैं, अब भी मैं क्लियर करूँगा इस वीडियो में, ठीक है। तो पूरी तरीका से देखना। OMR में जो गलती हो गई है, बहुत सारे चैनल वाले बता रहे हैं रिजल्ट नहीं आएगा, किस प्रकार की मिस्टेक हुई है नहीं आएगा, तो इस पर भी हम बात करेंगे। परिणाम को लेकर, DVD कब से स्टार्ट हो जाएगी, जॉइनिंग को लेकर, सभी पर हम बात करने वाले, एक तरीका से इसमें सारी चीज बताने वाले। तो सबसे पहले हम बात करें इसकी रिवाइज आंसर की को लेकर। तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा इस चैनल के माध्यम से, जो हमसे पुराने छात्र जुड़े हुए हैं, इस चैनल के माध्यम से मैंने तभी कहा था और अब भी कह रहा हूं मैं, ठीक है, कि जो मेरे द्वारा अपडेट दी गई थी कि आपकी जो रिवाइज आंसर की है, यानी कि नवंबर की, यानी कि 10 नवंबर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी और आने वाले समय में देखना, ठीक है। 10 नवंबर के आसपास, इससे पहले भी आ सकती है, मैं आपको बता दूं, इससे 1-2 दिन बाद भी आ सकती है, ठीक है। मगर मैं आपको बता दूं, 10 नवंबर के आसपास इसकी रिवाइज आंसर की आपके सामने होगी। हालांकि आपत्तियाँ काफ़ी गई हैं, क्योंकि कुछ प्रश्नों पर चीज़ें मतलब देखने को मिली, कुछ प्रश्नों पर बदलाव भी देखने को मिलेगा आने वाले समय में, वो भी सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, कितने प्रश्नों पर बदलाव हुआ है और कितना मतलब फुल मार्क्स देखने को मिलेगा, ये चीज़ें मैंने पहले भी क्लियर की। मगर आपने देखा होगा आंसर की को लेकर कहीं किस चैनल के माध्यम से ही अपडेट दी गई थी सबसे पहले। तो मैं आपको बता दूं, 10 नवंबर के आसपास 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, मैं क्लियर कर रहा हूं, तो आपकी आंसर की आ जाएगी। मगर यहां पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के मैसेज आ रहे हैं कि सर, बहुत सारे चैनल वाले कह रहे हैं कि BSc और 1 या 2 वर्ष वाले, जैसे कि 1 या 2 वर्ष मतलब उन्होंने समाजशास्त्र समाजकार जो सब्जेक्ट रहा है, विज्ञान और पोषण बाल विकास, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इनको लेकर कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लिया गया कि इन्हें बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। मगर इसमें क्या, देखो इसमें पूरी तरीका से अभी आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो, आने वाले समय में सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। और जहाँ तक उम्मीद है कि जो BSc वाले बच्चे होम साइंस की, उनको समकक्षता लगी हुई है, तो जहाँ तक उम्मीद बन सकती है कि आपको भी लिया जाए। और 1 या 2 वर्ष वाले में पहले भी क्लियर कर दिए कि आपको DB से बाहर नहीं किया जाएगा, बेशक आपने किसी 1 वर्ष पढ़ा हो, चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे समाज कार्य हो, गृह विज्ञान, पोषण व बाल विकास, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। और ये सारी चीजें कोई नहीं, कोई YouTube पर नहीं बता रहा होगा, मैंने चीजें क्लियर कर दी, अभी तक किसी ने नहीं बताई होंगी, ठीक है। तो इस चीज़ को भी लेकर आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो। अब रही बात OMR को लेकर, जो बच्चे OMR को लेकर परेशान है, गलती हो गई है तो क्या रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ चैनल वाले बता रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपका बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, आपने उसमें कुछ भी अपना सही नहीं भरा, तो फिर तो आपको, आप भी जानते हो कि जब आपका उसमें कुछ भी चीज़ सही नहीं भरी है, रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, जो एग्जाम डेट्स, जो कुछ भी चीज़ मतलब अच्छी तरीके से नहीं भरी है, ना आपके सिग्नेचर वगैरह हैं, जो भी चीज़ें, तो फिर मैं आपको बता दूँ, रिजल्ट नहीं आएगा। अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो गई है, अगर आपने कॉलम में सही भर दिया, बबल में गलती हो गई है, बबल में सही भर दिया, अगर कॉलम में गलती होगी, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है, और जो आपका रिजल्ट आएगा इसमें कोई प्रकार की, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करने वाले परिणाम को लेकर, OMR को लेकर मैं चीज़ें क्लियर कर दी, ठीक है, और परिणाम को लेकर मैं चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बता रहा होगा, और आप देख रहे हो जितने भी बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है वही सारी चीज़ें बता रहे हैं, जो मैं काफ़ी समय पहले से मैं बताता चला आ रहा हूँ। तो परिणाम को लेकर मैं आपको बता दूँ, 15 दिसंबर के आसपास आपका इससे पहले रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूँ, पूरी तरीका से अभी UPSC विभाग में सिर्फ मुख्य सेवका की चर्चा चल रही है, और इस भर्ती को मैं आपको बता दूँ, इस भर्ती की जॉइनिंग को लेकर मैं बात करूँ, तो मार्च से पहले इसकी जॉइनिंग हो जाएगी। अब इसमें बहुत सारे बच्चे विश्वास नहीं करेंगे, मगर आने वाले समय में सारी चीज़ें क्लियर होगी। DB को भी लेकर बात करूँ कि लेखपाल की DB जैसे समाप्त होगी 30 नवंबर के, उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा, तो पूरी उम्मीद है कि इसकी जो DB है दिसंबर में लग जाए, कुछ बच्चों की DB दिसंबर में हो जाए, ठीक है। वो चीज़ें मैंने, हालांकि आपको भी पता है कि 125 अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है DB में, तो लगभग वो ही पहुँच जाते हैं 3 गुना के समथिंग, तो पूरी उम्मीद है कि लगभग जो बच्चों की संख्या होगी 7 से 8 हज़ार के बीच में DB में रह सकती है, मिनिमम मान सकते हो 8 हज़ार के समथिंग जो बच्चे DB में बुलाए जाएंगे, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा और आने वाले समय में वो भी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और मैं इस पर एक वीडियो लाने वाला हूँ कि कितना फ़ायदा देखने को मिल सकता है सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट में, कितना अंतर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर अब भी कोई डाउट वगैरह रहेगा, तो मैंने जॉइनिंग को लेकर चीजें क्लियर कर दी, मार्च से पहले आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी।
ये कोई नहीं बता रहा होगा पूरे यूट्यूब पर, बहुत सारे बच्चे हमसे विश्वास करते हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, तो उन्हें पता है कि इस चैनल के माध्यम से जो भी चीज़ें बताई जा रही थी काफ़ी समय से बताई जा रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी डाउट रह गया हो तो मैं आपको बता दूँ वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करना। कट ऑफ में पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, अगर आपको तेरे नंबर भर रहे हैं तो आप पूरी तरीका से सेफ हो। तो हम वीडियो को यहीं रखते हैं, आप लोग ज़्यादा परेशान मत हुआ करिए, अदर प्लेटफॉर्म वाले कुछ भी बता देते हैं। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए और इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि यहाँ पर से आपको एकदम ऑथेंटिक अपडेट मिलेगी। तो वीडियो को हमें रखते हैं, धन्यवाद।